हे सो व्हाट्सअप गाइस, वी आर बैक टू अनदर मुन्नी क्राफर्ड न्यू वीडियो। तो गाइस फाइनली हम लोग न्यू वीडियो के साथ वापसी आ गए हैं और आज हम लोग गाइस जा रहे हैं नेदर पोर्टल। तो नेदर पोर्टल के लिए हम लोगों को सबसे पहले चाहिए होगा ऑब्सीडियन, जो कि हमें लावे से और पानी से ही मिल सकता है। मतलब जहां पर लावे का कोई सोर्स हो तो वहीं से हमें ऑब्सीडियन मिल सकता है, ऐसे हमें ऑब्सीडियन नहीं मिल सकता। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने माइनिंग करी थी काफी सारी और हम लोगों को मिला था डायमंड। तो हम लोग डायमंड से अभी तक मैंने एक पिकेक्स तक नहीं बनाई है, मैंने सोचा था कि ऑन वीडियो में ही बनाएंगे। तो फिर आज हम लोग नेदर फाइटर्स में जाने के लिए तो फिर हमें जो ऑब्सीडियन चाहिए होगा वो गोल्ड पिकेक्स से ही टूटेगा और डायमंड पिकेक्स से ही टूटेगा, ऐसे वो टूटेगा नहीं। तो फिर हम सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं डायमंड पिकेक्स और फिर चलते हैं वहां पर। और ये चीज यार, अपनी पहली डायमंड पिकेक्स, क्या ही बात है। और एक अपनी सॉर्ड भी बना लेते हैं यार, क्योंकि सॉर्ड की भी जरूरत पड़ जाती है। जहां पर मैंने गाइस माइनिंग करी भी थी वहां पर मुझे लावा मिल गया था इजीली। और मैं अब यहाँ का गेट बंद करके और यहाँ से हाई डाई मार के जाऊंगा जबरदस्त। और यहाँ से हम गिरते हुए मतलब कुछ भी नहीं होता भाई। अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो सामने लावा है, तो मैं फटाफट से जाता हूँ इस लावे के पास। तो गाइस जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी लावे की सोर्स जो है वो मिल गई थी पहले से ही। तो मैंने सोचा कि यार इसको ऑब्सीडियन बना देना चाहिए और मैंने यहाँ पर ऑब्सीडियन बना के रखा हुआ है पहले से। मतलब मैंने यहाँ से एक ब्लॉक बस माइन किया था तो ये ऑटोमेटिकली पानी इस पर आकर गिर गया और ये सारा जो है वो तब्दील हो गया है ऑब्सीडियन में। तो गाइस फिर हम इसको तोड़ते हैं फटाफट से और फिर हम अपना बाकी का काम जो है वो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक अदद टॉर्च ताकि हमें रोशनी मिलती रहे भाया, ये चीज। और यहाँ पर भी मैं एक टॉर्च लगा रहा हूँ, ये बात। अब यहाँ से हमें आसानी से मिल सकेगी और अब हमारी डायमंड पिकेक्स का काम है इसको तोड़े और उसके बाद फिर हम लोग नेदर पोर्टला बना सकते हैं। भाई मतलब हम लोग तो खुश नसीब हैं कि हम लोगों को मिल रहा है, वरना तो ये लावे में ज़ाया हो जाता। मैंने यहाँ पर जब भी इसी वजह से पानी फेंक के रखा हुआ है ताकि हमें कोई मसला नहीं हो। आठ हमारे पास ऑब्सीडियन आ गया है और आठ से अभी काम नहीं बनने वाला। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़े से और कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को नेदर फाइटर में जाने के लिए वापसी यहाँ पर नहीं आना पड़े पत्थर तोड़ने के लिए। तो गाइज मेरे पास काफी सारा ऑब्सीडियन जमा हो चुका है, तो अब हम लोग चलते हैं गाइज नेदर फाइटर बनाने के लिए। और गाइज यहाँ पर अभी मेरे को और माइनिंग भी करनी है, लेकिन ये लावे को मैं सारा ऑब्सीडियन में तब्दील करके वो तोड़ के बाद में रख लूंगा और हम बाद में कभी हमें बनाना हो कहीं पर या कोई दूसरे काम आ सके ये ऑब्सीडियन, तो फिर हम उसके लिए भी इसको जमा करके रखेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं अपना नेदर पोर्टल बनाने के लिए और फटाफट से फिर उसके अंदर जा के देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। वैसे मैंने काफ़ी बार मैं दूसरे सर्वर्स में जा चुका हूँ नेदर पोर्टले में, लेकिन मेरे को जब भी इतना सही तरीके से वो समझ नहीं आता। ओके तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, अब हम अपना नेदर पोर्टल बनाना शुरू करते हैं। और मुझे यार वाकई में नहीं पता है कि नेदर पोर्टल मतलब बनता कैसे, मैंने आज से पहले कभी भी नहीं बनाया, तो मैं इसको यहाँ पर कहीं बना देता हूँ। बाकी हम लोग देख लेंगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पांच ब्लॉक लगा रहा हूँ, एक दो तीन चार और पांच ब्लॉक हम यहाँ पर लगा देते हैं और उसके बाद हम इसको पांचवें ब्लॉक से खड़ा करते हैं। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि कितने ब्लॉक खड़े करने पड़ेंगे हम लोगों को, तो मैं अभी ये कर रहा हूँ कि अभी मैंने कितने ब्लॉक खड़े करे हैं, एक और ये दूसरा ब्लॉक है, दूसरे के बाद मैं तीसरा चौथा, मतलब चार ब्लॉक यहाँ पर मैं खड़े कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इसके ब्लॉक। ठीक हो गया भाई,
और ये बात, ओ शिट, तो मैं इसको, ओ यार शिट यार, ये थोड़ा सा रह गया, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से पहले एक पत्थर तोड़ लेता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये बनता है या नहीं, क्योंकि कॉर्नर वाला तो वैसे भी हमें चाहिए नहीं होगा। ओके, तो एक पत्थर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है और मैं इसको यहाँ पर चिपका देता हूँ। अब दे ये पता नहीं शायद काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो अभी मैं सबसे पहले जाता हूँ गाइज, अभी तो रात भी हो रही है और मैं अपना फ्लिंट एंड स्टील भी लेके आ जाता हूँ। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने कर दी है सुबह और अभी हम लोग आ गए यहाँ पर, और फ्लिंट एंड स्टील मैंने एक बना के रखा हुआ था पहले से। अरे शिट यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई, भाई ये काम नहीं कर रहा यार, ये क्या हो गया, इसको काम क्यों नहीं कर रहा ये। या तो फिर मुझे इसके एक दो ब्लॉक और ऊपर तक वो करना पड़ेगा, या तो फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा मुझे लग रहा है मुझे जहाँ तक। और ये मैंने एक दो तीन, और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर मुझे चार ब्लॉक ऊपर से लगाने होंगे और उसके बाद ये काम कर सकता है। A few moments later. गुड डे जी, गुड डे। अब देखता हूँ कि मैं ये काम कर रहा है या नहीं। ये बात जबरदस्त जबरदस्त गाइस, तो फाइनली मैंने, ओ भाई ये कहाँ से आ गया यहाँ पर। ओ भाई हेलो 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 भाई साहब, हेलो हेलो भाई, आपको यहाँ पे किसने बुलाया भाई। मैं पहले अपने देख लेता हूँ गाइस, मैं अपने कपड़े वगैरह देख लेता हूँ और मुझे इसके अंदर थोड़ी सी तैयारी करके जाना पड़ेगा वरना तो मसला हो सकता है। और ये गाइस अभी बाहर आ गया तो मुझे इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन गाइस फाइनली मैंने इसको बना दिया है नेदर फाटर को। तो अभी हम चलते हैं और फटाफट से अभी हम अपना क्या क्या लेकर चलें यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस, क्योंकि अभी मैंने इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, तो मुझे तैयारी करके पता नहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं गाइस, लेट्स गो। 2,000 years later. और गाइस ये चेक करो यार, क्या बात है, मतलब क्या ही जगह यार ये। वहाँ पे एल्डर एल्डर मैन भी है वहाँ पर, और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं। और भाई ये से, ओ भाई साहब पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर। तो अभी पता नहीं ये लोग मेरे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, मुझे नहीं पता, ये वैसे मेरे पे हमला तो नहीं कर रहे, लेकिन इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही बुरी है कुछ, मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई इनकी आवाज़। और भाई नीचे भी भाई साहब बहुत सारे हैं यार, और यहाँ पर कोई लगता है कि मेरे को कोई यहाँ पर घूम रहा है, क्या क्या है भाई ये, बड़ी गंदी गंदी आवाज़ें आ रही हैं मुझे इसमें से। और गाइज अगर इन लोगों ने मुझे, मैंने जैसा सुना है कि अगर इन लोगों ने मेरे को कोई भी ब्लॉक वगैरह तोड़ते हुए देखा तो ये लोग मेरे को जान से मार देंगे। तो अभी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे को मारें, मैं यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें कलेक्ट करके जो है ना अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो अभी हम सबसे पहले भाई, अभी हम, मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम चल लेते हैं नीचे, जो कि बस अब अभी अपनी फील्ड नहीं जाना चाहिए। वैसे अपने पास आलू आलू तो है काफ़ी, आलू अपने पास, पोटैटो पड़ा है 48 है अपने पास भाई, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। अभी मुझे इनसे दूर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि इन लोगों के सामने मैं ना कुछ भी तोड़ूं या कुछ भी करूं, जो भी है वट एवर। तो अभी मैं चलता हूं नीचे की तरफ, मैं अभी नीचे जाके थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर, ओ शिट, तो मैं इसको नीचे से थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखता हूँ। और भाई ये क्या चीज़ है भाई साहब, ये चीज़ हम ले लेते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं कि भाई ये चीज़ क्या होती है, ये यहाँ की घास है कोई, पता नहीं क्या है ये, आई डोंट नो। और अभी ये भी सामने घूम रहे हो, और मेरा नेदर पार्टर का गेट जो है वो यहाँ पर है। तो अभी मैं नेदर पोर्टले में, अभी बस ये है कि अभी हम लोग अगर रास्ता ना घूमें तो फिर तो अच्छा हो जाएगा। और गाइज यहाँ पर गोल्ड मेरे को दिखाई, लेकिन यहाँ पर कोई देख तो नहीं रहा ना हमें, तो हम इसको तोड़ लेते हैं वरना तो हमारी ये यकी मार देंगे ये लोग आके, मतलब हमें जान से ही ख़त्म कर देना इन लोगों ने। तो मैंने, ओ भाई साहब ये बात, ये मैंने यहाँ से ले लिया। अभी ये मेरे को आवाज़ें तो आ रही हैं लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं मौजूद अभी, तो अभी मैं ये काम करता हूँ कि मैं भी इसको और तोड़ लेता हूँ ये। ओ भाई साहब ये तो भरा पड़ा है यहाँ पर, ये तो भरा पड़ा है यहाँ पे, फटाफट से मैं इसको तोड़ता हूँ भाई, इसको मैं तोड़ लेता हूँ फटाफट से। ओके, तो मैंने अभी यहाँ से इसको तोड़ लिया और ये आखिरी लास्ट ब्लॉक था मतलब, तो अभी मैं इसको भी तोड़ लेता हूँ, इसको भी तोड़ लेता हूँ। और भाई ये, और अभी मैं यहाँ की भी थोड़ी सी चीज़ें देखता हूँ कि ये क्या होता है भाई। अच्छा ये मेरे पास कुछ दो तरीके के ब्लॉक आए, आई डोंट नो कि ये कौन सा ब्लॉक है, मुझे नहीं पता। और ये इसकी डर्ट है, पता नहीं कोई यहाँ की डर्ट, मतलब नेदर पोर्टल की डर्ट इस तरीके की होती है कुछ। और यहाँ पे इसके साथ साथ ये लगी हुई है, मतलब ये तो घास है, यहाँ पर कोई है तो नहीं ना भाई, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और मेरा नेदर फाटर का गेट जो है वो वहाँ पर है, ठीक है। अभी मुझे ना यहाँ से भूलना नहीं है, और मेरे को मतलब, और भाई ये क्या होता है भाई साहब, ये क्या होता है ये, मैं अगर तोड़ के देखूं तो,
ये क्या होता है? ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब क्या है भाई? ओ भाई, यहाँ पर एल्डर मैन है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता इसके साथ लड़ना झगड़ना। सच जो बात है, यहाँ से मैं चीज़ें ले लेके मतलब अपनी रेसिपीज अनलॉक कर रहा हूँ कि मेरे को और क्या क्या मतलब यहाँ से मिल सकता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ बेसिकली। तो अभी मुझे इतना कुछ ज़्यादा तो पता है नहीं, तो अभी मेरे को यहाँ पर थोड़ा बहुत गोल्ड जो मिल रहा है ना, वो मैं सारा यहाँ से उठा रहा हूँ। क्योंकि भाई गोल्ड तो यार अपनी तरफ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से हम लोगों को मिल रहा है। और ये क्या चीज़ है भाई? ये भी कोई पता नहीं स्टून है, पता नहीं कौन सा स्टून है, या आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ और गाइज यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जमा वमा कर लेता हूँ और मैं और चीज़ें देख लेता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इसको बाद में आके एक्सप्लोर करता रहूँगा और मतलब हम लोग बाद में भी देख रहेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है। लेकिन मुझे अभी जो है ना, बेसिकली जो मुझे देखना है इसके अंदर, मुझे सारी अपनी रेसिपी अनलॉक करनी थी, क्योंकि मैं देखना चाहता था यार कि ये इसमें मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है नेदर पोर्टल में। तो और मुझे क्या ढूंढना है भाई? एल्डरमैन की मेरे को आँखों में नहीं देखना है, तो वरना तो ये मेरी बजा के रख देगा। मेरे पास एक स्टून एक्स है, तो इसको मैं भी लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके, मुझे कुछ गिराना पड़ेगा, मुझे कुछ गिराना पड़ेगा। अभी मैं ग्रेवल जो है ना फेंक रहा हूँ। ओके भाई, अच्छा ये ऑक वुड टाइप की है, मतलब कुछ ये लकड़ियाँ हैं यहाँ की ना, नेदर की लकड़ियाँ भी मतलब अलग होती हैं भाई, क्या ही बात है। तो अभी यहाँ पर ये पता नहीं क्या चीज़ है गाइस, तो मैं इसको भी उठा के देख लेता हूँ। मैं इसको उठाने के लिए मुझे कुछ फेंकना पड़ेगा दोबारा से। तो अभी मैं क्या फेंकूँ, क्या फेंकूँ, क्या फेंकूँ, क्या फेंकूँ? डर्ट, डर्ट, मैं डर्ट फेंक देता हूँ अभी, डर्ट। तो भाई यहाँ पर कुछ सूरत हाल ऐसे हैं और मैं अभी इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। ये इन लोगों की आंखों में देख के ही मुझे ना जो है ना वो खौफ आने लग जाता है। और अभी मैं गाइस ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं जाऊँ किस तरफ, क्योंकि मुझे अभी तो कुछ भी नहीं पता यहाँ पर। मैं मतलब समझ लो कि नया नया आया हूँ नेदर फाटर में, क्योंकि मैं इससे पहले यहाँ पर कभी भी नहीं आया भाई। और यहाँ पर यार बस यही चीज़ें दिख रही हैं अभी तक तो मेरे को, बाकी वहाँ पर भाई लावा ही लावा यार, क्या ही बात है। मतलब यहाँ पे ये फिर बैम्बू कर रहे हैं और भाई ये बड़ी गंदी गंदी आवाज़ें हैं यार इन लोगों की, मतलब डर लग रहा है मुझे सुन के। ये मुझे मारने आ रहा है क्या? नहीं नहीं भाई, ये जा रहा है, ये जा रहा है भाई। मेरा पोर्टल का गेट कहाँ पर है मुझे ये देखना पड़ेगा। गाइस अभी हम लोग गेट की तरफ निकलते हैं, अपने गेट, अपना हमारा गेट, ये रहा गेट हमारा, क्या ही बात है, क्या ही बात है। और भाई और क्या है, और क्या क्या चीज़ है? अब हम इसकी थोड़ी सी अपोजिट साइड जाके देखते हैं। यहाँ पे बड़ी गंदी गंदी आवाज़ें आ रही हैं गाइस मेरे को तो, और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या ही जगह है यार, मतलब समझ से बाहर जगह भाई। अभी मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मेरे को कुछ दिख रहा है और ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये पता नहीं यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। मेरा नेदर फाटर वहीं है और इसके साथ साथ यहाँ पर ही को तो बहुत बड़ा गड्ढा है भाई। यहाँ से अगर मैं नीचे जाता हूँ तो फिर मैं ऊपर आ सकता हूँ क्या? नहीं भाई, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ से हम देख लेते हैं और चीज़ें, ये पता नहीं सामने क्या है। वैसे मैंने देखा तो है काफ़ी वीडियोज़ में, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लैम्प का काम करता है, ये पत्थर जो भी है, ये ब्लॉक, मुझे इसका नाम अभी पता नहीं है। तो अभी भाई ये, ओ भाई साहब, मतलब बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ पे, तो मतलब मज़ा ही आ जाता है नेदर पोर्टल में आके। तो गाइस अभी ये मेरे को जो मिला था, मेरे को गोल्ड इन नगेट मिले हैं, मुझे गोल्ड नगेट का मैं पता नहीं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पर गोल्ड नगेट इनके सामने नहीं फेंकने वाला। तो अभी गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मुझे और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, तो अभी मैं चलता हूँ वापसी, वरना तो हमारा सारा सामान जो है ना वो गिर जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो गाइस हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपना सही सलामत, मतलब थोड़ी सी भी फील्ड वगैरह ज़ाया किए हुए। और गाइस यहाँ पर तुम लोग ज़रा चेक करो कि अपन ने सारी यहाँ पर गायें वगैरह ला के रख दी हैं। तीन यहाँ पर मेरे पास गायें हैं और यहाँ पर मेरे पास ये भी छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बकरे भी आ चुके हैं, और इसी के साथ साथ पिगी भी हमारे पास दो दो हैं, और रैबिट का एरिया भी तो खाली पड़ा हुआ है, और थोड़े से चिकन का जो फार्म है ये थोड़ा सा ऐसा ही है, छोटा सा, बस इसमें तीन ही चिकन थे। तो अभी भाई साहब बहुत सारी स्पाइडर यहाँ पर, भाई अंदर कैसे आ गई है भाई? ओ भाई क्या हो गया
भाई अंदर कैसे आ रही है भाई? यार ये क्रीपर वगैरह यहाँ पर आ गए तो मुझे तो लगता है कि सोना पड़ेगा, और मेरे पास बेड वगैरह भी नहीं है अभी यहाँ पर, तो अभी मैं गाइस फटाफट से जाता हूँ और सो जाता हूँ। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त वाली चीज है। ओहो तो गाइस ये चेक करो, मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा मॉडिफाई करवा के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और यहाँ पर मैंने ये थोड़े से स्मोकर लगाए हैं, और यहाँ पर मैंने क्राफ्टिंग टेबल लगाई हुई है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक बेसन टाइप का बनाने की कोशिश करी थी, और उसके साथ मैंने लेवल लगाया हुआ है जो कि ये बहुत मज़े वाला लगता है मुझे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी डेकोरेट किया हुआ, और ये इसी के साथ साथ थोड़े से कारपेट रखे हुए हैं, और ये मैंने डाइनिंग टेबल ये मैंने बनाई है इस तरीके से कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी फैंस वगैरह लगा दी थी, और उसी के साथ साथ मैंने इसको चेन फिट करी इसमें, और यहाँ पर ट्रैप डोर से इसको कवर करके गाइस मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ हद तक मैंने चेंज किया हुआ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शशके लगाने के लिए मतलब यहाँ पर कारपेट रख दिया, और यहाँ पर मैंने गमला रख दिया जिसके अंदर एक गुलाब का फूल भी है, और इसी के साथ साथ एक लाइट टेंट भी रखा हुआ है हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर गाइस मैंने यहाँ पर इन लोगों के लिए मतलब आसानी करने के लिए मैंने इन लोगों का एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप का बना दिया है, जो इसमें ये सामान स्टोर कर सकते हैं, और उसमें बड़ा मज़ा आएगा यार। मतलब ये चीज़ें हम खाने पीने की चीज़ें सारी यहाँ पर रखेंगे, और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर एक चेस्टों का एक बहुत बड़ी सी जगह बनाई हुई है, और इस जगह के अंदर हम लोग अपनी सारी चीज़ें रखेंगे। इसमें गाइस जो भी मतलब हमें जॉम्बीज वगैरह से या क्रीपर वगैरह से जो भी मिलता है तो वो हम इस वाले चेस्ट में रखा करेंगे। जैसे कि ये हम लोगों को बोन वगैरह मिल जाती है, गन पाउडर मिल जाता है, स्पाइडर आई मिल जाती है, और स्ट्रिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ें हम लोग यहाँ पर रखेंगे। और गाइस यहाँ पर हम लोग अपना सारा तलवार वगैरह और पिकैक्स वगैरह और ये रखेंगे, शॉवर्ड वगैरह रखेंगे, सॉल्ट वगैरह रखेंगे, और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने जो है वो एक अदद बोर्ड भी मैंने यहाँ पे मंगा के रखी हुई है, और ये विलेजर्स इससे काफ़ी खुश दिखते हैं मुझे, और ये लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं। और इन्हीं की सेफ्टी के लिए एक आयरन गोलम भी यहाँ पर आ चुका है गाइस, तो तुम लोग ये भी देख सकते हो, उन लोगों को आयरन गोलम भी यहाँ पर है। तो गाइस फिर मुझे लगता है कि नेदर फाइटर की वीडियो यहीं पर एंड ही करते हैं, क्योंकि हम लोग फिर नेदर पार्टर में जाके जो है वो अच्छी अच्छी सी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ला के हम लोग अपनी और अपने वर्ल्ड में जो है ना वो फिर अच्छी अच्छी चीज़ों से क्रिएट करने के लिए। मतलब फिर ये जैसे कि तुम लोग ये देख पा रहे हो है मतलब अलग ही चीज़ लग रही है। ये खूबसूरती के लिए हमें काफ़ी सारे ब्लॉक वहाँ से मिल जाते हैं आसानी से, और अब हम इससे ये कर सकते हैं कि भाई हम अपनी और चीज़ों में हम लोगों को आसानी होगी मतलब बनाने में, और हम लोग उसको अच्छा अच्छा सा करके बना सकते हैं और भी मॉडिफाई कर सकते हैं अच्छे अच्छे ब्लॉक से। तो गाइस फिर मुझे लगता है आज की वीडियो इतनी बहुत होगी, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी घंटे को दबाया करो यार, ताकि तुम लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे हर वीडियो का। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह हम लोग और चीज़ अच्छी लेके आएंगे, और मेरा ख्याल है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आयरन फार्म बनाएं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मतलब आयरन फार्म का हमारा अनलिमिटेड सोर्स हो जाएगा एक आयरन की, तो फिर गाइज हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की थी गाइज, अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।